LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और करें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। It further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have been able to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को
बहुत ही एक्यूरेटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वी हैव कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लैंडर टेलीमेट्री डेटा फ्रॉम इसरोस डीप स्पेस नेटवर्क IDSN-32 लोकेटेड इन बेलालू बेंगलुरु। द डेटा इज बीइंग एक्वायर्ड रियल टाइम बाय स्टेशन एंड इज फ्लोन टू द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स थ्रू आवर कम्युनिकेशन लिंक्स। इन एडिशन टू इट, वी आल्सो हैव सपोर्ट फ्रॉम ESA एंड JPL DSN स्टेशंस। There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase, or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking.
currently we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन का जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है. ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकेंड टू 358 मीटर्स पर सेकेंड. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर आ चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 300 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं. इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा. ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ALS हैज टेकन चार्ज. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग लगभग
1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले, द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सरफेस एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड हियर। Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers. And the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है।
Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine breaking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters. And we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से।
We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है, और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module पूरी तरह से safely और softly चंद्रमा के सतह पे land हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, the hard work of the entire ISRO community has